या ask 5 students to attend my class. यहां देखें, ask 5 students to attend my class or rather 10. बस short कर दें, second part of the sentence को short कर दें. 5 students को कहें कि मेरी class लें, तो or rather 10, तो आपका इस तरह होगा. ये first rule बता रहा हूं, इसको समझेंगे तो आपको जो है ना सारा क्लियर कर दूंगा आज मैं आपको, सारा हर चीज क्लियर होगी आपकी. 6 से 7 रूल है, सारे बताऊंगा. आई वॉन्ट टू यूज अ मोबाइल, आई वॉन्ट टू यूज अ मोबाइल, यहां आप कामा देंगे. आर रादर वॉन्ट टू रीड अ बुक, रिपीट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते. आर वॉन्ट टू अगर आप रिपीट ना करें फिर भी सही है. यू आर माई स्टूडेंट्स, आप मेरे शागिर्द हैं, बल्कि अच्छे शागिर्द हैं. यू आर माई स्टूडेंट्स, आप मेरे शागिर्द हैं, बल्कि अच्छे शागिर्द हैं. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. ठीक है, मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद आप सवाल करते जाएं. आगे चलेंगे हम, और आई एम श्योर कि आपको सारा क्लियर हो जाएगा, मजा आ जाएगा. सेकेंड यूज ऑफ रादर, अब रादर देन बता रहा हूं, ये कॉमनली ऑलमोस्ट 80-90% बच्चों को आता है. तो आप जब कहते हैं कि रादर देन जब आप कहें तो आप इसके साथ इंग फॉर्म लगाएंगे और यहां आपकी काम आएगी. रादर देन वर्किंग हार्ड, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, मेहनत करने के बजाय तुम टाइम जाया कर रहे हो. इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं. यू आर वेस्टिंग योर टाइम रादर देन वर्किंग हार्ड, इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, आपकी मर्जी. आपको कोई नहीं कहेगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है सही है, ये वाला गलत है. नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताए हैं, ये वाले दोनों जो स्ट्रक्चर हैं आपके, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सही हैं, बोथ आर राइट, गलत नहीं है. ठीक है, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, यू शुड रीड अ बुक, गुड बुक्स, रादर देन यूजिंग योर मोबाइल. रादर देन के बाद इंग फॉर्म आएगा, यहां पे इंग फॉर्म आएगा. यू शुड रीड अ बुक रादर देन यूजिंग मोबाइल, आपको किताब पढ़ना चाहिए बजाय कि आप मोबाइल इस्तेमाल करें. मतलब बजाय कि मोबाइल इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप किताब पढ़ें. या दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश फॉर CSS rather than wasting my time in useless things. इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, rather than having friendship with useless persons I read a lot of books. जब आप rather than देंगे, एक बात समझें, उसके बाद verb के साथ ing form आएगी. ये important rule है. rather than wasting my time in useless things comma I read books, I teach online. You should help your parents rather than asking them to work for you. You should help your parents rather than asking them to work for you. या इसको उल्टा करें, इसको ऐसा करें, इसको यहां ले आए, इसको ये यहां ले आए, यहां पे यहां ले आए, और ये वाला जो सेंटेंस है शुड वाला, इसको आप यहां ले आए. आपको कोई नहीं कहेगा कि ये स्ट्रक्चर गलत है, ये स्ट्रक्चर भी आपका 100% सही है, दोनों स्ट्रक्चर सही है. आगे चलिए, आई एम श्योर कि आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगा, और बल्कि इसमें सारा हर सवाल का जवाब इसी के अंदर आपको मिल जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, थैंक यू अतिका, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ गुड टीचर. चलें अपनी तारीफ कर लें, क्या होता है. थर्ड यूज ऑफ रादर, रादर का तीसरा इस्तेमाल, उसमें आपका आता है, आई वुड लाइक टू टीच रादर देन वेस्ट माई टाइम. अब वुड लाइक मैंने लगाया है, अब मैंने लिखा है दिस इज ओके बट वी कैन चेंज इट लाइक द फॉलोइंग वन. कैसे हम कह सकते हैं, आई वुड रादर टीच देन वेस्ट माई टाइम. बेहतर ये है कि आप ये तीन वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें इसके साथ. मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह इस्तेमाल करें कि आई वुड रादर टीच देन वेस्ट माई टाइम.
आई वुड रादर टीच, देख लें इसको, वुड रादर बता रहा हूं, इसमें आपका है आई वुड रादर, आई वुड रादर टीच, देखें इसको, देन वेस्ट माई टाइम, मैं पढ़ाऊंगा बजाय कि वुड रादर, इसमें वुड रादर बता रहा हूं, उसमें रादर देन था, इसमें इनकी आप स्क्रीन शॉट लेते जाएं, उसके बावजूद भी अगर आपको ये छह के छह सात जितने भी रूल बता रहा हूं अगर समझ ना भी आए तो वॉइस मैसेज में आपको मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस, इसके बारे में आप परेशान ना हो, ठीक है। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, अगर यहाँ अगर जवाब नहीं दे सकता तो सॉरी फॉर देट, नाराज ना होना, गुस्सा भी ना करना और गलत भी नहीं सोचना, अगर मुझसे सवाल स्किप हो जाता है तो फिर भी मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूँगा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये वाली तस्वीर आप इसको लें, तस्वीर लेना चाहते हैं, कोई बच्चा तस्वीर लेना चाहते हैं तो मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद आप उसकी तस्वीर लें बेटा। आई वुड रादर लिव, अब वुड रादर बता रहा हूं, इस बात को समझें, वो रादर देन था, ये वुड रादर बता रहा हूं। आई वुड रादर लिव अलोन, मैं अकेला रहना पसंद करूंगी, देन मेक यू माई हस्बैंड, तुमसे शादी करने से बेहतर है कि मैं अकेली जिंदगी गुजारूं। निभागा, अगर किसी को कहते हैं ना कोई निभागा बंदा होता है, निभागा समझते होंगे सिंधी का लफ्ज है, लेकिन मुझे नहीं पता आपको समझ आता है कि आप कहते हैं कि इससे बेहतर है कि मैं अकेली जिंदगी अकेली मर जाऊं, तुम्हारे से बेहतर है, तुम तो निपटे हो, तो इस तरह आप कह सकते हैं आई वुड रादर लिव अलोन देन मेक यू माई हस्बैंड, आई वुड रादर लिव अलोन देन मेक यू माई हस्बैंड, हस्बैंड बनाने से बेहतर है कि मैं ऐसे मरना पसंद करूंगी, निपट कहा जाता है सिंधी में, हम निपट कहते हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा तो अब मैं क्या करूं, थोड़ी बहुत सिंधी सीखनी पड़ेगी अगर आपको मेरी क्लास लेनी है, ठीक है। तो इफ समवन आस्क यू टू मैरी, देन यू कैन सिंपली से, अगर कोई शादी के लिए कहता है, ये मैंने आपको नोट करके बताना है, आई वुड रादर लिव अलोन, इफ समवन आस्क यू टू मैरी, अगर आपसे कोई कहता है कि मुझसे शादी करो तो आप कहेंगे कि मैं अकेला ही रहना पसंद करूंगी, मां अकेली भलिया तो खा निभागे का भलिया अकेली, ठीक है, तो आप कहेंगे आई वुड रादर लिव अलोन, आप ऐसे कहेंगे सिंपली। जैसे मैंने आपको बताया है, डू यू वॉन्ट टू वेट फॉर योर सक्सेस, अगर सवाल कोई करता है आप कहेंगे आई वुड रादर वर्क हार्ड, अगर कोई आपसे कहता है कि क्या आप सक्सेस के बारे में इंतजार करना चाहते हैं, आप कहेंगे आई वुड रादर वर्क हार्ड टू सक्सीड, नहीं मैं मेहनत करूंगी आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, आई वुड रादर वर्क हार्ड। सवाल करते हैं ना कि यार आप क्या कामयाबी का इंतजार करेंगी या करेंगा या गी या गा दोनों हो सकता है, क्योंकि लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो आप कहेंगे आई वुड रादर वर्क हार्ड। आप देखें इसमें जो है हार्ड वर्क नहीं कहना, आई वुड रादर हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क नहीं होगा, आई वुड रादर वर्क हार्ड, तो इसमें रादर के बाद आपका वर्ब आएगा। डू यू वॉन्ट टू स्लीप, तो आप कहेंगे आई वुड रादर रीड अ बुक, अगर आपसे कोई सवाल करता है कि आप जो है सोना चाहते हैं, आप कहेंगे कि आई वुड रादर रीड अ बुक। आपको मैं थोड़ा सा ये क्लियर करूं, फिर जो है थोड़ी बहुत मजाक बाद में करेंगे, आपका टाइम जाया हो रहा है इसलिए मैं आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता, सर आ जाएंगे। आई वुड रादर, ये मैंने बता दिया नहीं बता, आई वुड रादर, आई वुड लाइक टू टीच रादर देन, ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल में, हो गया क्लियर, आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया, ये पढ़ेंगे फोर्थ रूल। आई वॉन्ट टू गिव यू अ गिफ्ट ऑफ अ बुक बट I would rather you gave me a gold ring on my birthday. ये इतना important structure है, this is the most important structure. ये मैं आपको बताऊं, ये आपको sense देगा past का, लेकिन basically this is not past. Suppose के अगर आपको कोई कहता है I want to give you a gift of a book. आपका birthday है, बर्थडे पे आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है किताब का, वो आपको कहता है या कहती है, कहता या कहती, तो आप उसे कहेंगे कि यार बेहतर है कि आप मुझे गोल्ड की रिंग दें, क्योंकि लड़कियों को गोल्ड रिंग ज्यादा किताब से ज्यादा, देखें ये मेरे पास किताब है ना, अगर मैं कहूँ कि ये किताब आपको दूं
पिर्सी मैंने ऐसे दी थी आपको, तो पिर्सी के लिए एक किताब है कंकेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, 100 रुपए की किताब है, वो ले लें, बर्नार्ड रसेल की है, रसेल की किताब है, उससे आप पिर्सी बनाएं। तो आप उसको कहेंगे आई वुड रादर यू, यहां देखे मैंने यू डाला है, आई वुड रादर यू, यहां मैंने गेव लगाया है, गेव मी अ गोल्ड रिंग ऑन माई बर्थडे, मैं चाहूंगी कि आप मुझे बेहतर है, आई वुड रादर यू गेव मी, आई वुड रादर यू गेव मी, समझे इसको। जैसे मैंने तीसरा सेंटेंस बनाया है, आई वुड रादर यू वर्कड हार्ड टू सक्सीड इन CSS, आई वुड रादर यू, यू आ रहा है, देखें रादर के बाद आई वुड रादर यू, यहाँ यू आ रहा है, आई रादर यू, मैं चाहूंगा कि आप मेहनत करें, इट मीन्स आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड, ये मैंने नीचे लिखा है नोट में, इट मीन्स आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड, आई वुड रादर यू वर्कड हार्ड, यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म सॉरी वर्ब की आएगी, आई वुड रादर यू, आई वुड रादर यू ऑफर्ड मी अ डिलीशियस डिनर, इफ आई कम टू इस्लामाबाद, इफ आई कम टू कराची, इफ आई कम टू कराची, आई वुड रादर यू स्टूडेंट्स ऑफर्ड मी अ डिलीशियस डिनर, आई वुड रादर यू, आई वुड रादर यू ऑफर्ड, आई वुड रादर स्टूडेंट्स ऑफर्ड, तो इस तरह होगा, यहां अगर आप यू नहीं लगाते, अगर मैं कराची आता हूं, आई वुड रादर स्टूडेंट्स ऑफर्ड मी अ डिलीशियस डिनर व्हिच इज नॉट पॉसिबल, इट मीन्स आई वॉन्ट यू टू ऑफर मी, आई वॉन्ट यू टू ऑफर मी अ डिलीशियस डिनर, ठीक है। नोट दिस स्ट्रक्चर इज ऑफन यूज व्हेन समवन आस्क यू टू डू दिस वन बट यू आस्क हिम टू डू दैट वन, वो करे लेकिन आप कहें ये ना करो ये करो, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपका चौथा है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको रिपीट भी करूं, क्योंकि काफी बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, समझ नहीं आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। फिफ्थ यूज ऑफ रादर, ही इज नॉट अ बैड बॉय, ही इज नॉट अ बैड बॉय, रादर ही इज अ गुड बॉय, आप किसी को कहते हैं ना ये खराब लड़का नहीं है बल्कि अच्छा है, वी डिडंट वेस्ट योर टाइम, We didn't waste your time, rather invested in learning new things. Rather invested in learning new things. हमने सर मोहसिन ने और मैंने आपका टाइम जाया नहीं किया, rather invested in learning new things. We did not waste your time. Past में मैंने लगाया है, हमने आपका टाइम जाया नहीं किया, rather invested in learning English essay, composition, basic grammar, etc., etc. ठीक है, we did not waste your time, यहां काम आएगा, फिर आप rather देंगे, फिर आप कहेंगे कि हमने आपका टाइम जाया नहीं किया बल्कि आपका टाइम अच्छे चीजों में इन्वेस्ट किया, बर्बाद नहीं किया बल्कि इन्वेस्ट किया। My students were not late. मेरे शागिर्द लेट नहीं थे, rather they were on time. बल्कि वो वक्त पे आए थे। स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जो स्क्रीनशॉट आपको समझ नहीं आती वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजें, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा वो मैं वॉइस मैसेज में आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने 22 बच्चे बैठे हैं कि सबको समझ आए, Not necessarily. कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मेरी तरह पुअर होंगे लर्निंग में। I was an average student. मैं अपनी लाइफ में एक नाकारा शागिर्द था, बैंक बेंचर था, और आज मैं लेक्चरर हूँ, कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ और आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। I was a bank bencher. कभी कभार ऐसे भी miracles होते हैं जिंदगी में, तो अगर आप बैंक बेंचर हैं तो आप परेशान ना हो। आप मेरे बारे में सोच रहा तो सर भी तो बैंक बेंचर थे, वो भी तो ऐसे ही थे, आजकल वो पढ़ा रहे हैं, लेक्चरर बन गए हैं, ठीक है, तो आप परेशान ना हो। तो नाकारा आपको मिलेंगे बहुत से मेरी तरह। यू शुड नॉट फाइट हिम, अच्छा फाइट के साथ आप कभी भी विद नहीं लगाना, यू शुड नॉट फाइट विद हिम, अवॉइड करें, यू शुड नॉट फाइट हिम, रादर से सॉरी, रादर से सॉरी टू हिम, तुम उससे लड़ो नहीं बल्कि आप उसको सॉरी बोलें, लड़े नहीं
बल्कि आप उसको सॉरी बोलें। सिक्स रूल, अब सिक्स रूल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बताता हूं। यू आर रादर स्मार्ट, इट मींस यू आर मच मोर, यू आर स्मार्टर, यू आर स्मार्टर, यू आर रादर स्मार्ट, इट मींस यू आर स्मार्टर। यू आर रादर गुड, इट मींस यू आर बेटर, यू आर रादर गुड, इट मींस यू आर बेटर। यू आर रादर गुड माना यू आर बेटर। इस तरह यू आर, यू राइट इंग्लिश ऐसे रादर वेल, रादर वेल माना मच मोर बेटर। शी इज रादर टैलेंटेड, इट मींस शी इज मोर टैलेंटेड। असलम इज रादर डल, असलम इज रादर डल, इट मींस असलम इज डलर, असलम इज डलर, रादर डल माने डलर। थर्ड फॉर्म इसका होता है डलेस्ट, ठीक है, डल डलर डलेस्ट। हाँ कंपैरेटिव,